गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। एक्चुअली में क्या था कि 2 दिन से मैं बाहर था और अभी आज ही आया हूँ, तो हमारे 2 दिन की जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं वो मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक अभी आपको वीडियो मिलेगा, 1 से 1.5 घंटे बाद आपको सेकेंड वीडियो मिल जाएगा। तो 15 दिसंबर के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। 15 दिसंबर 2023 करंट अफेयर्स, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षक दिवस कब मनाया गया? 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर या 14 दिसंबर कब मनाया गया बताइएगा। तो बताइए आप लोग। तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 14 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा समय लगा, अब आगे नहीं लगेगा। हाल ही में जेवियर माइल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? नॉर्वे, अर्जेंटीना, स्वीडन या उपरोक्त सभी। तो कहाँ के लिए है इन्होंने? अर्जेंटीना। जेवियर माइल जो है इन्होंने कौन से देश के हैं ये राष्ट्रपति, अभी नए राष्ट्रपति बने हैं अर्जेंटीना के। हाल ही में गद्दाम प्रसाद को किस राज्य का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है? मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना या राजस्थान। तो कहां का चुना गया है? तेलंगाना का। हाल ही में कौन एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष पर रहा? हाल ही में कौन, यानी कौन सा राज्य एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा? गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र या सभी। तो कौन रहा? महाराष्ट्र। हाल ही में किसे एफआरडीए बोर्ड का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? परम सेन, के एस रेड्डी, अब्बास जेदी या सभी को। तो किसको किया गया? परम सेन को हाल ही में एफआरडीए का अंशकालिक सदस्य चुना गया है। हाल ही में किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? वीरदास, नितिन साहनी, दीपक धर या कोई नहीं। तो नितिन साहनी को जो है भारतीय ब्रिटिश या किस भारत ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को जो है 2000 संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार का निर्णायक तो नितिन साहनी को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में FHI हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? बर्लिन, कालानपुर या फिर उपरोक्त दोनों। कहाँ पर किया गया है? तो कुआलालंपुर, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? पंजाब, उड़ीसा, हरियाणा या केरल। तो किसने की है डोर स्टेप सेवाओं के लिए? पंजाब। हाल ही में किस देश में चक्रवात जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं। तो किस देश में चक्रवात इस जेस्पर से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में, इसका 30 ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में आईफोन निर्माता फोक्सकॉन किस राज्य में 1.67 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगी? गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो ये कहां पर करेंगे? कर्नाटक में, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शुभमन गिल या मोहम्मद शमी, कौन रहे? तो हाल ही में 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में शुभमन गिल रहे। हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है? रूस, फ्रांस, ब्रिटेन या सभी जगह। तो कहां पर हुआ है ये? फ्रांस में। हाल ही में जारी
मर्सर के 2023 गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? पुणे, चेन्नई, हैदराबाद या सभी? तो कौन रहा? हैदराबाद। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या केरल? तो कहां पर करेगी? मध्य प्रदेश में। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर के लिए अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की है? सूर्य कुमार, मोहम्मद शमी, शुभमन गिल या कोई भी नहीं? तो किसको? मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड की सिफारिश की गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। आपको 10 से 15 मिनट के बाद यानी कि एक घंटे के बाद आपको यानी 11:30 बजे करीब 11:30 बजे करीब आपको 16 दिसंबर का वीडियो भी करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि जनरल पेपर की हमारी प्री क्लास भी रात को 9:15 बजे चल रही है। इसके अंदर मैं हिंदी इंग्लिश करवा रहा हूँ, तो अगर आपने बीपीएससी या ईएमआरएस या फिर डीटरप्लेसी का फॉर्म भर रखा हो, बीपीएससी एस्टेट जो आया है उसके अंदर भी आपको हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगी, तो उनकी तैयारी हम फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप में से या आपने इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया तो आज ही से हमारी ये क्लास ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सभी को बाय बाय।